सुमनपाल, केदारनाथ में मंगलवार को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि यह हादसा केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़चट्टी में हुआ है और हेलीकॉप्टर ने गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी। खराब मौसम हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह भी मानी जा रही है, हालांकि अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यह हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का था। हेलीकॉप्टर ने गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे और केदार घाटी की तरफ जब यह हेलीकॉप्टर आगे बढ़ा तब गरुड़चट्टी में ही यह क्रैश हो गया और जमीन पर गिरने के साथ ही हेलीकॉप्टर आग की चपेट में आ गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत बताई जा रही है। आपको बता दें कि केदारनाथ में बड़ा हादसा हुआ है जहां पर हेलीकॉप्टर में आग लगने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है और केदारनाथ हादसे की तस्वीरें बेहद खौफनाक है। अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री पीसी गोरखा ने तहसील काड़ा डूंगी का निरीक्षण करते हुए राजस्व कर्मियों के अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि विक्रय पर विशेष नजर रखने और सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने तहसील में ही SDM और तहसीलदार समेत राजस्व कर्मी के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कुछ भू माफिया बड़ी चालाकी से अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि को 143 कराकर ही उनकी जमीन को औने पौने दामों में खरीद कर आगे बड़ी रकम में बेच दिया जाता है, इसलिए उनके द्वारा जो भूमि बेची जा रही है उस पर खास नजर रखी जाए और ये भी कहा है कि इसकी पुख्ता जाँच कर ली जाए कि वो किसी के दबाव में आकर तो भूमि को नहीं बेच रहे। और इस दौरान ही SDM रेखा कोहली, तहसीलदार प्रियंका रानी, थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत वहां पर उपस्थित रहे। हाँ, एक्चुअल में आयोग की तरफ से हमें शिकायत मिल रही थी कि जो है कुमाऊं में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जो जमीन है उसको 143 करके बिल्डर उसका बेच रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और जिससे शेड्यूल कास्ट के लोगों को ठीक धनराशि नहीं मिल पा रही है। साथ ही उनके उनके लिए जो जो उनको पैसा मिलना चाहिए वो पैसा बिचौलिया खा जा रहे हैं और ज़मीन बेच करके वो लोग उसी होटल और उन पर उसके जो है कर्मचारी बन के रह रहे हैं और पहाड़ खाली होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने कोशिश की कि प्रत्येक तहसील में जा करके यह पता लगा जाए, सर्वेक्षण करा जाए कि आखिर 143 कितने लोग करवा रहे हैं। काज कालाडूंगी जो तहसील में है इसमें मुझे खुशी, बेहद खुशी है। अब खबर पौड़ी से है। पौड़ी में अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने अंकिता हत्याकांड की जांच अब CBI से करवाने की मांग की है। अंकिता के पिता का कहना है कि SIT की जांच से वे संतुष्ट नहीं हैं, जिस पर वे इस हत्याकांड की जांच CBI से करवाना चाहते हैं। वहीं अंकिता को न्याय मिले इसको लेकर आज अंकिता भंडारी के घर से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई है। लक्सर नगर में ही कल शाम दिन दहाड़े हथियार बंद बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिसमें दो पुलिस वाले थे उनको गोली लगी है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि बदमाशों के निशाने पर पुलिस कर्मी नहीं बल्कि नगर के व्यापारी सुनील बंसल थे। जैसे ही उन्हें बदमाशों की भनक लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और सूचना पर बदमाशों को पकड़ने के लिए आए पुलिस कर्मियों पर बदमाशों ने फायरिंग झोंक दिया। कार्यक्रम आए थे उस रोज बहू की सूझबूझ से बच गए हम और फिर कल बीच में भी रैकी की सुबह 5 बजे 8 तारीख में और 14 तारीख में 11:30 बजे करीब यहाँ को निकले घूम के मोटरसाइकिल आगे से तो और कल तो थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा आभास हो गया कि बदमाश हैं तो हमने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस क्या नाम पंचम जी और उनकी टीम जो लगी हुई थी उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया मगर सफल नहीं हुआ, उनके भी गोली लग गई। ये घटना तीसरी बार इसी परिवार के साथ हो रही है। पहले सूझबूझ से घटना टली और रात भी इन्हें शक होने पर पुलिस को बुलाया, तब ये घटना बड़ा हादसा होने से टली है। भाई जो गोली व्यापारी का लगनी थी वो पुलिस का लगी है। मैं समझता हूँ उन पुलिस वालों के भी साहस की बात है, उनसे मुझे उम्मीद भी है कि वो सुरक्षा करेंगे। मैं साथ ही साथ DGP उत्तराखंड से मांग करी है
किस परिवार के लिए दो पुलिस वाले हर वक्त तैनात रहें, जो पुलिस लाइन से हो, थाने वाले आएंगे तो आएंगे जाएंगे। चमोली जिले के नारायण बगड़ प्रखंड में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव प्रतियोगिता का छात्र छात्राओं ने अपने बेहतरीन प्रोजेक्ट के जरिए अपनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया। स्थानीय जीजीआईसी में ब्लॉक समन्वयक अजय कुमार सिंह नेगी ने ही सह समन्वयक कलम सिंह नेगी और प्रधानाचार्य कश्वर सिंह भंडारी के निर्देशन में ही ब्लॉक स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता के इवेंट में छात्र छात्राओं के कई विज्ञान प्रोजेक्टों और मॉडलों की प्रदर्शनी ड्रामा के साथ सीमांत जनपद कार्यक्रमानुसार प्रदर्शन किया है। मेरे मॉडल का टाइटल है कि तीर मोड़ों पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव। अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में तीर मोड़ ज़्यादा होता है, तो तीर मोड़ों पर ज़्यादा दुर्घटनाएं घट जाती है, तो जिसमें किसी की मृत्यु भी हो जाती है और कई लोग घायल हो जाता है। तो मैंने ऐसे मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया है कि रोड के दोनों तरफ डिजिटल ब्रेकर लगे होंगे, तो जिस डिजिटल ब्रेकर से गाड़ी होके गुजरे की तो अपोजिट साइड वाले को गाड़ी वाले को पता चल जाएगा कि दूसरी साइड से गाड़ी आ रही है। त्योहार को देखते हुए पंत नगर दिनेशपुर क्षेत्र के क्षेत्र अधिकारी तुपेश कुमार चंद्र ने व्यापारियों और बैंक कर्मचारियों के साथ मीटिंग की है। आपको बताते चले कि आगामी त्योहार धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा को देखते हुए आज उधम सिंह नगर जिले के पंत नगर दिनेशपुर क्षेत्र के क्षेत्र अधिकारी तपेश कुमार चंद्र ने और दिनेशपुर थाने में ही व्यापारी और बैंक कर्मचारियों के साथ बैठक करते हुए कई सारे दिशा निर्देश दिए हैं और सुरक्षा को लेकर भी बात कही गई है। दुकानों में सामने लगे हुए CCTV लगाने की भी बात कही है। उन्होंने दीपावली के इस त्यौहार को शांतिपूर्वक ढंग से मनाने की अपील भी की है। देखिए जैसा आप विदित है कि दिवाली का पर्व जस्ट आने वाला है, तो ऐसे में अनफॉर्चुनेटली कुछ आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती है, तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको इस बारे में थोड़ा अलर्ट किया जाए। ऋषिकेश के पशुलोक विस्थापित कॉलोनी में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ स्थानीय लोग फिर भड़क उठ गए हैं। आपको बता दें कि लोगों ने कई बार शिकायतें के बावजूद ही कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर SDM कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है और प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से ही SDM और MDDA के सचिव को ज्ञापन भी भेज दिया है। लोगों ने चेतावनी दी है, यदि अभी भी अधिकारियों ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और जरूरत पड़ी तो वो कानून भी अपने हाथ में लेने से पीछे नहीं हटेंगे। विस्थापित जन कल्याण समिति के मुताबिक पशु लोक विस्थापित कॉलोनी में ही हाई कोर्ट के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के निर्माण पर रोक लगाई गई है और बावजूद इसके बड़ी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कार्य अभी भी जारी है, जिनकी वजह से छोटे छोटे घरों के अंदर मूलभूत सुविधा हवा और पानी की दिक्कत होनी शुरू हो गई है। इसमें भाई साहब इसमें ये लगा लो कम से कम 2019 से हमारी ये अवगत जब से फ्लैटों का निर्माण करे जनता एकदम बार बार ज्ञापन दे रही बार बार, लेकिन किसी तरह से कार्रवाई नहीं की। इसमें कांग्रेस सरकार है, भारतीय जनता है, दोनों इन्वॉल्वमेंट, और ये लग रहा है कि आने वाले भविष्य में ऐसे इस तरह जो फ्लैटों का निर्माण करे ये मेरे गरीब जनता की सुन ही नहीं रहे। शासन और प्रशासन के खोखले आश्वासन और UKSSSC सचिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये से वैयथिक होकर ही चयनित अभ्यर्थी अब उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं और इस क्रम में ही आज सोमवार को चयनित अभ्यर्थियों द्वारा तत्काल नियुक्ति के मांग को लेकर ही मुख्यमंत्री आवास कूच किया गया। गुस्साई जनता ने किया कोतवाली का घेराव, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दरोगा को सस्पेंड करने की मांग की गई है और ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर जनशक्ति चिट फंड कंपनी में ठगी का शिकार हुए सैकड़ों लोगों ने डोईवाला कोतवाली में प्रदर्शन किया है और जनशक्ति मल्टी स्टेट मल्टी और पर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली द्वारा ही उत्तराखंड की जनता के साथ करोड़ों की ठगी के मामले में पीड़ितों ने रोष व्यक्त किया है और पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि ठगी करने वाले आरोपी अधिकारी पंकज
गंभीर को पीड़ितों द्वारा ही पकड़कर रविवार को कोतवाली डोईवाला में सौंपा गया। और इसके साथ ही बता दें आपको कि सोमवार सुबह ही कोतवाली पहुंचे तो आरोपी कोतवाली में नहीं मिला। एक फ्रॉड कंपनी थी यहाँ पे जनशक्ति सोसाइटी के नाम से, और उन्होंने क्या किया कि इतने लोगों से 225 करोड़ का मामला है, 225 करोड़ का मामला, ये देख सकते हैं आप, इतनी मातृशक्ति महिलाएं यहाँ पर हैं, इन लोगों से इतना बड़ा फ्रॉड करके चला गए। कल महिलाओं के द्वारा उसको देहरादून से पकड़ के यहाँ डोईवाला थाने में लाया गया, और डोईवाला थाने में जब लाते हैं तो यहाँ पर सुमित जी हैं, सुमित चौधरी बता रहे हैं उनका नाम, उन्होंने उनको छोड़ दिया। ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने पैसे पूसे खाए, वो लोगों को कह भी रहा था कि अकेले में मिले। लोगों की ये मांग है कि पुलिस ने किस पर्पज से उसको छोड़ा, आखिर डोईवाला पुलिस और ये लाल दफ्तर पुलिस क्यों इस चीज़ को लेकर बदनाम हो रही है, ये इस मंगलरों और चोरियों को क्यों बढ़ावा देते हैं, आदमी के लिए ये ड्यूटी करते हैं और चोरों के लिए ड्यूटी करते हैं, गरीब आदमी के लिए स्थिति क्यों बनाए हैं, और सबकी यही मांग है तो उस आदमी को लाया जाए। ये बता दें कि पूरा उत्तराखंड का मामला ही है, पहाड़ों से जगह जगह से महिलाएं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओखल ने गुरप्रीत के परिजनों से मुलाकात कर शोक जताया है। आपको बता दें कि काशीपुर की खबर है जहां पर गुरप्रीत के परिजनों से मुलाकात की गई है। राज्य मंत्री ने गुरप्रीत के परिजनों से मुलाकात कर शोक जताया है। तो आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले हुए गुरप्रीत हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओखल ने गुरप्रीत के परिजनों से मुलाकात कर गुरमीत की मौत पर गहरे दुख का इजहार जो कर शोक संवेदना प्रकट की है। आपको बताते चले कि बलदेव सिंह ओखल ने आज काशीपुर के कुंडा में आकर ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज बुल्लर से मुलाकात की, और मुलाकात के दौरान उन्होंने ब्लॉक प्रमुख गुरताज बुल्लर से इस घटना का अफसोस जताया और मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं इस घटना का अफसोस जाहिर करने आया हूं, मुझे बहुत दुख है। और उन्होंने कहा कि कानून अपना काम बराबर कर रहा है और ज़रूरत पड़ी तो CM साहब से भी इस घटना को लेकर बात करेंगे और इंसाफ दिलाने का कार्य करेंगे। वहीं मीडिया के मुताबिक होते हुए ब्लॉक प्रमुख गुरताज बुल्लर ने बताया कि मुझसे आए दिन कोई ना कोई लगातार मिलने आ रहा है, सब अफसोस जाहिर करते हैं और आश्वासन भी देते हैं, लेकिन मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। मैं सिर्फ उम्मीद ही लगा सकता हूं क्योंकि पुलिस प्रशासन और सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।